रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में डाल्टनगंज शहर के मध्य एलआईसी बिल्डिंग झंडा चौक के समीप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव समारोह का 4 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया है। शनिवार के दिन भक्ति संध्या सह भव्य रामलीला समारोह का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सह वन विकास निगम अध्यक्ष आलोक चौरसिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस महोत्सव के उद्घाटन मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अमित प्रकाश उपाध्याय, समाज सेवी अविनाश देव, संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ साथ भारी तादाद में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत में भजन के साथ की गई। गायक कलाकारों ने भक्ति संध्या के तहत भगवान राम पर आधारित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दे लोगों को भाव विभोर कर दिया, जबकि रामलीला के तहत प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित मर्यादाओं की जीवन झलक लोगों को देखने को मिली। रामलीला कार्यक्रम के माध्यम से समाज में यह संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दशरथ पुत्र राम ने किस प्रकार से लोगों के साथ सामंजस्य व समन्वय बनाकर ऊंचे मर्यादाओं की स्थापना की। बतलाया गया कि आतताइयों का अंत किस प्रकार से होता है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बतलाया कि आगामी 3 अप्रैल तक संध्या 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक कार्यक्रम प्रतिदिन जारी रहे। देखने को मिल रहा है, हम तमाम लोगों को अपने भगवान के प्रति, अपने समाज के प्रति एक अच्छे समाज हम कैसे बनाए, अपने भगवान का पूजा कैसे करें, आज ये इस रामलीला के माध्यम से हम तमाम लोगों को देखने और सुनने का मिल रहा है। मैं आप तमाम लोगों को अपने ओर से रामनवमी पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और कामना करता हूँ कि इसी तरह पूरे भव्य से, पूरे अच्छे अच्छे मजबूती से हम अपने रामनवमी का भगवान राम की पूजा अर्चना करें, उनकी जन्म महोत्सव पर अपने क्षेत्र में भगवान से कामना करें कि भगवान हम तमाम लोगों की इतनी शक्ति दे कि हम अपने क्षेत्र को और उज्जवल बना सके, अपने क्षेत्र को और मजबूती से भगवान की कृपा से आगे बढ़ा सके। मैं निश्चित तौर पर भगवान राम के विचार पर चलने की हम तमाम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। भगवान राम ने जो हम तमाम लोगों को विरासत देने के काम किया, अपने देशवासियों को, अपने भक्तजनों को, उस चीज को हम तमाम लोग मिलकर अगर बचाए तो निश्चित तौर पर समाज का एक अच्छा निर्माण होगा, समाज का एक अच्छा सोच होगा। आज हम जिस वर्ग से आते हैं, हमारा जाति, हमारी धर्म हिंदू है और अपने हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए, अपने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए हम तमाम हिंदू अगर एकजुट होकर भगवान राम की पंक्तियों पर चले तो निश्चित तौर पर हमारा देश का, हमारा जो भारत देश भगवान राम की बातों से जाना जाता है। Thank you.